बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो अगर आपका जो मोबाइल है, यानी कि आप में जो WCC3 गेम है, वो हैंग हो रही है, लैग हो रही है, क्रैश हो रही है, इसकी क्या वजह है। बेसिकली दोस्तों, इसकी दो वजह है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो नेटवर्क, दूसरा आपका मोबाइल की वजह से ये गेम लैग कर रहा है या हैंग हो रहा है या क्रैश हो रहा है। ठीक है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि नेटवर्क में अगर प्रॉब्लम है तो आप किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मोबाइल में मसला है, आपको मोबाइल की वजह से WCC3 गेम हैंग हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको उन प्रॉब्लम्स को किस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें डिटेल के साथ आज मैं इसमें बात करूंगा। कुछ 7, 7 या 6 स्टेप्स हैं, उनको आप फॉलो करेंगे तो आपका जो मोबाइल की परफॉर्मेंस वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी और कोई भी अगर आप गेम खेलते हैं तो वो भी हैंग या लैग नहीं करेगी आपको मोबाइल में। इन स्टेप्स को आपने एहतियात से देखना है, पूरी वीडियो देखनी है, तो फिर ही आपको समझ आएगी। बहुत सिंपल से ईजी से स्टेप्स हैं, आपने इनको फॉलो करना है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, बगैर टाइम को ज़ाया करते हो उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ऑल इन वन सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, साथ ही जो बेल आइकन है इसे कर दें प्रेस, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ बगैर टाइम को ज़ाया करते हुए। नंबर वन पर जो स्टेप आते हैं, उसमें जैसे ही आपने गेम प्ले करनी है, गेम प्ले करने से पहले आपने देख लेना है अपने मोबाइल में कि आपके पीछे कोई बैकग्राउंड में कोई ऐप्स वगैरह तो नहीं चल रही। अगर चल रही है तो आपने उन्हें क्लोज़ कर देना, तमाम के तमाम ऐप्स को क्लोज़ कर देना है। अगर आपकी ये ऐप्स पीछे बैकग्राउंड में चल रही होगी तो आपके नेटवर्क की वजह से आपका जो मोबाइल है वो हैंग होगा और जो आपकी गेम है वो लैग करेगी। तो स्टेप टू में आपने करना क्या है, स्टेप टू में आपने प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, क्लीम मास्टर के नाम से ये ऐप प्ले स्टोर के ऊपर पड़ी हुई है। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। गेम ओपन करने से पहले यहाँ से आपने जंक्स फाइल्स को क्लियर कर लेना है। जंक्स फाइल्स का ऑप्शन आपको पहले नंबर पर येलो कलर में नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्लीन, नीचे आपको एक ऑप्शन आ रहा है क्लीन, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लीन करने के बाद आपको उसके बाद दूसरा सेकेंड वाले ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो सेकंड वाले ऑप्शन को भी आपने क्लियर करना है, यानी कि आपके जो CPU का जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन करने के लिए। अगर आपका मोबाइल का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, इससे ये होगा कि आपके मोबाइल का टेम्परेचर नॉर्मल में आ जाएगा, तो इस ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है। और उसके बाद मज़ीद आपको दो ऑप्शन और मिल रहे हैं, पावर बूस्ट और स्कैनिंग। ये दोनों आपको इस एप्लीकेशन में तीसरे और चौथे नंबर पर मिलेंगे। आपने पावर बूस्ट भी कर देना है, स्कैनिंग भी कर देनी है, यानी गेम प्ले करने से पहले, गेम ओपन करने से पहले इन चार ऑप्शनों को आपने कर लेना है। स्टेप नंबर थ्री में आपने सेटिंग में जाना है। जैसे ही आप सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपने स्टोरेज के ऑप्शन के ऊपर जाना है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, वो आपने समझनी है। तो यहाँ स्टोरेज के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी इंटरनल मेमोरी है, आपकी जो इंटरनल मेमोरी आपके पास 30% का मिनिमम 2 GB 1 GB आपके पास फ्री स्पेस होनी चाहिए। अगर 1 से 2 GB आपके पास फ्री नहीं है तो आपका मोबाइल जो हैंग करेगा, जिसकी वजह से आपकी गेम भी लैग करेगी, हैंग होगी और क्रैश भी होगी। तो यहाँ पर आपने अपने मोबाइल की जो और फ्री स्पेस रखनी है वो 2 GB तक, मिनिमम 2 GB तक होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको 80% तक आपका फ़ोन स्टोरेज होनी चाहिए, 20% आपके पास फ्री स्पेस होनी चाहिए। ये स्टेप नंबर थ्री था। और स्टेप नंबर फोर में प्ले स्टोर को आपने ओपन करना है। जैसे ही आप प्ले स्टोर में ऊपर आना है, यहाँ से आपने 3 डॉट्स के ऊपर आना है, उसके बाद आपको प्ले प्रोटेक्ट के ऑप्शन के ऊपर आपने आना है। जैसे ही प्ले प्रोटेक्ट के ऑप्शन के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको स्कैन का ऑप्शन मिल रहा है, आपने यहाँ से स्कैन कर देना है। इसका मतलब ये है कि जितने भी आपने प्ले स्टोर के ऊपर से जो डाउनलोड किए हैं एप्लीकेशन, उन सबको ये स्कैन कर देगा। अगर कोई उसमें वायरस आया हुआ जिसकी वजह से आपका मोबाइल हैंग कर रहा है, तो वो सब के सब वायरस को क्लियर कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्कैनिंग हो रही है, स्कैनिंग इन प्रोग्रेस है। जैसे ही स्कैनिंग होगी, थोड़ा सा टाइम लेता है, तो स्कैनिंग दोस्तों आप देख सकते हैं हो चुकी है, कह रहे हैं नो प्रॉब्लम फाउंड। तो इस तरह आपने अपने मोबाइल को, प्ले स्टोर को, जितने भी प्ले स्टोर से फाइलें जो डाउनलोड की हैं उनको यहाँ से स्कैन करें। जो भी
उन एप्लीकेशन के ज़रिए आपके फ़ोन में जो भी फ़ोन में आपके वायरस आया होगा वो स्कैन हो जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 4 था दोस्तों। नंबर 5 में मैंने आपको ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपका नेटवर्क इशू है, नेटवर्क की वजह से आपका जो है गेम लैग कर रहा है या कोई नेटवर्क की वजह से आपको गेम में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने करना क्या है, आपने अपने मोबाइल को रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने से ये होगा जो भी आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी, आपका जो गेम है वो ठीक चलने लग जाएगा। और उसके बाद नंबर 6 पर आपको एक छोटी सी और टिप दे देता हूँ, अगर आपकी सिम जो स्लॉट 2 में है तो आपने सिम 1 में डाल देनी है। अगर आप सिम 1 में डालेंगे तो आपका जो इंटरनेट है वो तेज़ चलेगा, फास्ट चलेगा, जिसकी वजह से आपकी जो गेम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई लैग, कोई हैंग वगैरह नहीं होगा। तो ये स्टेप नंबर 6 आपने लाजमी फॉलो करना, अगर आपकी जो वो स्लॉट 2 में इंटरनेट वाली जो सिम है आपने सिम 1 में कर देनी है। स्टेप में आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको राइट कॉर्नर के ऊपर 3 लाइनें नज़र आ रही होगी, इस ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने सेटिंग के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ग्राफिक्स नज़र आ रहे होंगे पहले नंबर के ऊपर, तो इस नंबर के ऊपर आपने करना क्या है, अगर आपका हाई क्वालिटी के ऊपर, हाई ग्राफिक्स को ऊपर लगा हुआ है ऑप्शन के ऊपर क्लिक है, तो आपने मीडियम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना। अगर आपका मीडियम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक है तो आपने लो के ऑप्शन के ऊपर, लो ग्राफिक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये अब जो गेम है ये 2GB मोबाइल को बहुत कम सपोर्ट करती है। आपने करना इसी तरह, अगर आपका हाई पे है तो मीडियम पे कर देना है, मीडियम पे है तो लो पे कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको सेटिंग बता रहा हूँ, इससे आपका 50% जो लैकिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, इसी की वजह से आपका गेम लैक होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है इस तरह आपने इस सेटिंग को कंप्लीट करना, यानी कि चेंज करना है, इससे आपका जो लैकिंग या हैकिंग वगैरह हो रहा है, हैंग वगैरह आपका मोबाइल हो रहा है, वो गेम जो हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। तो मिलते हैं हम किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।